नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। निर्माण व्यवसायी सब भूतानी मांग करैत मधेश प्रदेशक भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय में प्रदर्शन कैलक। मधेश प्रदेश सरकारक भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय के विभिन्न योजना सबक विकास निर्माणक काज कैलो पर भूतानी एखन धरि नहीं पौने कहित ओ सब मंत्रालय के घेराव करैत प्रदर्शन कैलक। काज कैने वर्षो बितलो पर भूतानी नहीं पौला से यथाशीघ्र अपना सबक भुगतानी होबय पड़वाक मांग करैत ओ सब नारा जुलूस सहित प्रदर्शन कैलक। बीतल आर्थिक वर्ष में प्रदेश सरकारक दर्जनों विकास निर्माणक काज कैने ओ सब काज सम्पन्न कैने 2.5 वर्ष बीतल चुकलो पर भूतानी नहीं पौला से बाध्य भ के मंत्रालय के घेराव कैने निर्माण व्यवसायी जानकारी दिलन। एम्हर भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री सरोज कुमार यादव उपभोक्ता समिति तथा निर्माणक व्यवसायी से भूतानी पौल जेबाक बतबैत आवश्यक प्रक्रिया पहुँचा क सबक भूतानी कैल जेबाक आश्वासन देने आई। ओ सबक भूतानी के लिए मुख्यमंत्री सेहो सकारात्मक देखल गेला से भूतानी हेबाक बात में विश्वास रह आग्रह सेहो कैलन। मधेश प्रदेशक सरकारक और मंत्रालय के सेहो विभिन्न उपभोक्ता समिति के करीब 1 अरब रुपया भूतानी करब बाकी है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत मधेश ब्यूरो मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव की अपन 44 सूक्रिय मांग सब सहित ज्ञापन पत्र बुझौलक। राष्ट्रीयता गणतंत्र जनजीवनक लेल कहित बहुमत अपना 44 सूक्रिय मांग सहित मुख्यमंत्री यादव के ज्ञापन पत्र बुझौलक। तहिना अहि से पहिने ओ सब जनकपुर धामक विभिन्न चौक सब में प्रदर्शन समेत कैलन छलथि। मागहरू ठोस गरेका छौँ। एउटा राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित 10 वटा हाम्रा मागहरू छन् जो राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित रहेको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित भन्नुको अर्थ यतिखेर चाहिँ वर्तमान विद्यमान दलाल पुँजीवादी व्यवस्था र यसका सरकार अथवा मतियारहरूले एमसिसी पास गरेर चाहिँ हाम्रो देश र अमेरिकी साम्राज्यवादको चाहिँ पाउमा सुम्पिने काम गरेको छ। सँगसँगै भारतीय साम्राज्यवादको हत्यासे पनि दिनानुदिन बढिरहेको अवस्था छ र यो सरकार चाहिँ आफ्नो स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति उभिनुको सट्टा कुनै विदेशीहरूको कोटी र पकडले बनिरहेको अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दा राष्ट्रिय चाहिँ हाम्रो राष्ट्र खतरामा परेको कारणले गर्दा राष्ट्रिय स्वाधीनताको 10 वटा मुद्दाहरू हामीले चाहिँ यहाँ ठुस गरेका छौँ। अर्को जनतन्त्रसँग सम्बन्धित 5 वटा मुद्दाहरू छन्। जनतन्त्रसँग सम्बन्धित भनेको आज जनताको अधिकारहरू बचेको छ। जनताले केवल बोल्न त अधिकार पाएका छन्, यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्थामा बोल्ने अधिकार पाएका छन्, विरोध गर्ने अधिकार पाएका छन्, तर जनताले बाँच्ने अधिकार पाएका छैनन्। ओ सब एमसिसी विरुद्ध नाराबाजी करैत वर्तमान तीनू तहक सरकार जनतमुखी सब पार्टी पूँजीपति मुखी भेल आरोप समेत लगौलक। मधेश प्रदेशक शिक्षा विज्ञान प्राविधि तथा वाणिज्य मंत्री महेश यादव बीमार पड़ि कऽ घर में आराम कऽ रहल वरिष्ठ पत्रकार तथा प्रेस स्वतंत्रता सेनानी राजेश्वर नेपाली के भेट कऽ कऽ स्वास्थ्यक अवस्था विषय में जानकारी लेलन। देश में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रक स्थापनाक शंख घोष कऽ कऽ 2007 साल से अविरल रूप में धुआंधार कलम आ सशरीर क्रूर शासक सबक विरोध में एक आंदोलनकारी जका लड़ अथक योद्धा स्वाभिमानी निडर गूगल मैन कहकर चिन्हाई जाए वाला वरिष्ठ पत्रकार नेपालिक अमूल्य योगदानक कदर स्वरूप उच्च सम्मान कर तीनू तहक सरकार के आग्रह कैलन। सम्मान गरेर उहाँहरूलाई राख्न सकुन् भन्ने, किनभने उहाँहरू हाम्रो कीर्ति हो, उहाँहरू हाम्रो अग्रज हुनुहुन्छ, उहाँहरू हाम्रो मार्गदर्शक हो। त्यसलाई व्यवस्थित गरे मात्रै हामीले चाहिँ सुदृढ बनाउन सकिन्छ। त्यसमा पनि यो पत्रकारिता क्षेत्रमा उहाँको भूमिका मलाई लाग्छ एउटा मतलब भनौँ न भूमिका त सबभन्दा श्रेष्ठ भूमिकाको रूपमा मैले उहाँलाई लिएको छु। त्यसकारण म बीतल 1 वर्ष से अस्वस्थ रहल पत्रकारिताक भीष्म पिताहम राजेश्वर नेपालिक जनकपुरधाम 23 बेला स्थित निवास में मंत्री यादव भेटघाट पश्चात संचारकर्मी सब संग तनाशाही व्यवस्थाक अंत्यक लेल अनवरत समाचार अभिव्यक्तिक लेख रचना संपादकीय वक्तृत्व संगे तमाम आंदोलन में अग्रिण भूमिका निर्वाह कैने साहित्य साधनक नाव में सरकारक दिस विशिष्ट सम्मान आ पुरस्कार स्थापना कर सकला पर मावी पीढ़ीक लेल प्रेरणाक स्रोत होब सकत ओ बतौलक। मंत्री यादव नेपालीक शीघ्र स्वास्थ्य कामना सेहो कैलन। प्रतिनिधि सभा कानून कार्यान्वयनक अवस्थाक विषय में अध्ययन कर लागल। प्रतिनिधि सभा कार्य संचालक नियमावली मस्यौदा समिति नियमावली में कार्यान्वयन में आयल कानून का प्रशिक्षण करबाक प्रावधान रखबाक विषय में सहमति जुटौने। यही से पहिने
कानून कार्यान्वयनक अध्ययन करबाक समयमे सम्बन्धमे नियमावलीमे व्यवस्था नै कयल गेल छल। एम्हर नियमावलीमे व्यवस्था कऽ कऽ आब कार्यान्वयनमे रहल कानूनक अवस्था ई कानून प्रति आम नागरिकक चाहक तथा कानून विषयमे लक्षित वर्गमे जानकारी पुगल नै पुगल सम्बन्धमे अध्ययन करऽ लागल अछि। कानून कार्यान्वयनक मापन अध्ययन लेल अलगे समिति बनेबाक अथवा सम्बन्धित समिति क्षेत्राधिकार भित्रक कानून कार्यान्वयनक मापन करबाक सम्बन्धमे मस्यौदा समिति उपाय नै लागल अछि। बातचीतमे मस्यौदा समितिक अधिकांश सदस्य कानून कार्यान्वयनमे आयल तीन वर्ष बाद एहन कानून कार्यान्वयनक प्रशिक्षण कयल जेबाक धारणा राखने अछि। मस्यौदा समितिक सचिव एकराम गिरी कानून कार्यान्वयनक अवस्था अध्ययन करबाक विषयमे सहमति भेलापर समय अवधि विषयमे मस्यौदा अन्तिम उपाय नै लागल धरि कहिकऽ कह नै सकबाक बतौलने छ। उक्त कानून कार्यान्वयनको चरणमा के कस्ता समस्याहरू आए, त्यसमा कस्ता सुधारहरू आवश्यक छ, यस्तो कानुनप्रति आम नागरिकको के कस्तो प्रतिक्रिया रहेको छ र कानुनको प्रभावकारिता कस्तो छ भनेर मापन गर्नु पर्ने एउटा विशेष व्यवस्था अहिलेको न्यायावली मस्यौदा समितिले छलफल गरिरहेको छ र त्यो विषय अब बन्ने नियमावलीमा राख्न आवश्यक छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको हो। विज्ञ सब कानून बनौला पर कानूनक विषयमे सर्वसाधारणके जानकारी नै भेल लक्षित वर्ग लाभावन्ती होब नै सकल तथा कतेको कानून सब पाँच वर्ष धरि सेहो कार्यान्वयनमे नै आयल कहैत कानून कार्यान्वयनक अवस्था अध्ययन कऽ कऽ आवश्यक सुधार कयल जेबाक आवश्यकता रहल बतबैत आयल अछि। मुदा नियमावलीमे स्पष्ट व्यवस्था नै भेलासँ कानून कार्यान्वयनक अवस्थाक अध्ययन नै कयल गेल अछि। मीडिया अलायंस नेपाल संचार तथा सूचना प्रविधिके ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। बुध दिन मन्त्रालयमे पहुँचकऽ अलायंस संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माके नेपाली मीडिया उद्योगके पुनः जीवित गर प्रभावकारी कदम उठाव माग करैत ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। ज्ञापन पत्र बुझौला बाद संचार मन्त्री शर्मा आम संचार मीडियाके व्यवस्थित गर सरकारक दिशसँ आवश्यक कदम उठेबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। ओ पुरान एन्स र मीडिया सबक सञ्चालन भऽ रहलासँ नयाँ एन सबक निर्माण कऽ कऽ आगाँ बढ़नाइ जरूरी रहल सेहो बतौलनि। ओ कतेको मीडिया सब सम्बन्धी एन सब प्रतिनिधि सभासँ फिर्ता भेल आ कतेको एन सब राष्ट्रीय सभामे रहलासँ जल्दी एन परिमार्जन कऽ कऽ आगाँ बढ़ प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। तहिना मीडिया अलायंसक अध्यक्ष भास्कर राज राजकर्णिकार नेपाली मीडिया उद्योग कोरोना महामारी बाद रुगन रहलासँ पूर्ण जीवन देबाक लेल सरकार तत्काल प्रभावकारी कदम उठेनाइ अनिवार्य भेल बतौलनि। अध्यक्ष राजकर्णिकार सरकारी विज्ञापनक प्रभावमे एकदबार प्रणाली कायम कऽ कऽ विज्ञापन बोर्ड मार्फत मीडिया सबके विज्ञापन देबाक व्यवस्था मिलाब मन्त्री शर्मासँग आग्रह कयलनि। नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख सुभाष नेमाङ संघीय संसद भवन भित्र पत्रकार भेटघाट कक्ष स्थापना कयल जेबाक प्रस्ताव कयलनि अछि। बुध दिन बैसल प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिक बैसारमे ओ ई प्रस्ताव राखलनि अछि। संसद भवनक मूल गेटमे पत्रकार सभक बन्दुक देखाकऽ जेना क्यामेरामे देखाकऽ बैसऽ पड़बाक अवस्था अन्त्य करस्यो नियम बनाब ई कक्ष बनाब उपयुक्त हेबाक उपाध्यक्ष नेमाङक तर्क छल। ओ ई कक्ष दलक नेता सब सांसद सब आ संघीय संसद सचिवालयक पदाधिकारी सबमे पत्रकार भेटघाटक लेल सेहो सहज हेबाक स्मरण करौलनि। आधार खुलाई सिफारिस सहितको प्रतिवेदन भन्ने हुनुपर्ने भन्ने मेरो हो। उहाँहरू त्यो गेटभन्दा बाहिर एकदम पुरा त्यो क्यामेराको स्ट्यान्ड लगाएर बन्दुक पेस्याएर बसेको जस्तो लाग्ने, उहाँहरू कुद्दै कुद्दै त्यो बिचरा त्यो लिएर कुदिरहनु पर्ने त्यो अलिक कस्तो कस्तो लाग्दो रहेछ। त्यस कारण यत्रो त गरिरहेछौँ, एउटा मिड द प्रेस रुम एउटा भव्य बनाउँ न एउटा कोठा जहाँ केही पर्यो मान्य सदस्यहरू पनि जानुहुन्छ, दलका नेताहरू पनि जानुहुन्छ, पत्रकार साथीहरू पनि त्यहाँनिर बस्नुहुन्छ, प्रवक्तालाई पनि सजिलो, स्वयं त्यहाँ जानुहुन्छ, पत्रकारहरू पनि त्यहाँ उपस्थित।
त्यस कारणले गर्दा यो नियमावलीको महत्त्वपूर्ण भाग हुन्छ, एउटा नियम राखेर यो भव्य व्यवस्था गरौँ। उपाध्यक्ष नेमाङ पत्रकार सब संसद का मूल गेट में दौड़ कर नेता सबक प्रतिक्रिया लेब प्रभाक अवस्था अंत्य कल जेबाक से बतौलन। नेपाली कांग्रेसक महामंत्री गगन कुमार थापा नेकपा एमाले प्रस्ताव कैने राष्ट्रपति उम्मीदवार के अपन पार्टी हरा कर छोड़बाक दावी कैलन। महामंत्री थापा एमाले का राष्ट्रपति के उम्मीदवार के हराब लेल अपना सब हर संभव प्रयास करबाक बात स्वाभाविक भेल जिक्र से कैलन। बुध दिन काठमांडू में आयोजित विचार गोष्ठी में ओ राष्ट्रपति प्रति आँख नै लगाब एमाले अध्यक्ष केपी ओली आग्रह कैने कहित अपना सबक आँखी लगाई कर आगा बढ़बाक बतौलन। महामंत्री थापा राष्ट्रपति एमाले भेला पर देश में संवैधानिक दुर्घटना हेबाक डर कांग्रेस की भेला से अपना सब यही डर से मुक्त होब से राष्ट्रपति अपना सबक पक्ष बनाब प्रयास करबाक बतौलन। सम्माननीय कठपुतली राष्ट्रपति भन्ने हुन्छ त्यसलाई, त्यसले के गर्छ यो सरकार, त्यसले के गर्छ त्यो राष्ट्रपतिले त्यसपछि अस्तित्व केही अभ्यास त भइसक्यो, त्यसले विस्तार र समानान्तर शक्तिको अभ्यास गर्छ, संविधानले दिँदै नदिएको शक्तिको अभ्यास गर्छ। त्यसले के हुन्छ विस्तार, दुईवटा केन्द्र हुन्छ, एउटा बालवाटार हुन्छ, एउटा शीतल निवास हुन्छ। अनि बालवाटारबाट कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्ने ठाउँमा शीतल निवासले पनि कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्छ र त्यो एक ठाउँ गएर ठोकिन्छ र त्यसले संविधानलाई दुर्घटनामा लिएर जान्छ। त्यो संविधानलाई दुर्घटनामा लिएर जाने डरको कारणले गर्दा आज नेपाली कङ्ग्रेसले हामीले लुकाउने कुरा छ। बितल समयक राष्ट्रपति सबक भूमिका ठीक नै भेला छ, सेहो एखनुक राष्ट्रपति एमालेको देव नै हेबाक पक्षमे अपना सब रहल महामन्त्री थापाक कहब छल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीक महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विदेशी सबक इशारामे नेपालक सरकार गिरैत आ बनैत आयल दावी कैलन अछि। बुध दिन काठमाडौँमे पत्रकार सम्मेलन करैत ओ विदेशी सबक निर्देशनमे नेपालक अर्थतन्त्रक निर्माण होइत आयल दावी कैलन। ओ नेपालक अर्थतन्त्र मुठ्ठी भरि व्यक्तिक हातमे जा रहल बतौलन। महासचिव चन्द नव उदार दावीवादी नीतिक कारणसँ नेपालक अर्थतन्त्रके टाट उन्टेक बाक आ मुठ्ठी भरि विदेशी एकाधिकार पूँजीपाती सब नेपालमे भेल अर्थतन्त्रमे कब्जा जमेबाक परिस्थितिक अन्त्य भेनाइ आवश्यक रहल बतौलन। ओ देशभित्रके किछ कर चाहवला मध्यम वर्गीय उद्योग व्यवसायी सब आत्मदाह कैल जेबाक परिस्थिति निर्माण भ रहल आ राष्ट्रिय उद्योग सब सेहो कर्जाक भारमे पड़ल आ आन्दोलनक कैल जेबाक परिस्थिति बनल बतौलन। एकले अर्कोलाई जसलाई परास्त गरे पनि या विध्वंस गरे पनि यसले मानव जातिलाई ठुलो क्षति हुनेछ र त्यसको फाइदा मुठीभर पुँजीपतिहरूले मात्रै लिने कुरा निश्चित छ। त्यसैले यो एक प्रकारको पुँजीवादी राजनीति र पुँजीवादी शक्ति केन्द्रहरूकै असफलता हो र त्यसले जतातिर विश्वलाई लाँदैछ। यो समाधान हुँदैन, समाधान विश्व क्रान्ति नै हो, समाजवादी क्रान्ति हो र मानव जातिलाई सबै खालका लुट, दमन, अतिक्रमण, हस्तक्षेप, शोषणबाट मुक्त गर्ने वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति नै हो र त्यसले नै अन्तिममा विश्वलाई शान्ति र समृद्धितिर लैजान सक्छ भन्ने हाम्रो महाधिवेशनको निष्कर्ष छ र यहाँ पनि तपाईँहरूले सुन्नुभयो। अर्को कुरा आज यस्तै यसरी ध्रुवीकृत हुँदैछ, एउटा समय नयाँ पिँढी, एउटा 21 शताब्दीको एउटा नयाँ प्रविधि विज्ञान सहितको चेतना भएको नयाँ पिँढी आउनेछ, त्यसले वैज्ञानिक समाजवादलाई पगड्नेछ, पुँजीवादको विरुद्धमा त्यो विद्रोहमा उत्रिनेछ र एउटा विश्वलाई दीर्घ शान्तिको लागि चाहिँ नेतृत्व गर्ने परिस्थिति बन्नेछ भन्ने पनि हाम्रो पार्टीको विश्लेषण छ। महासचिव चन्द अपन पार्टी देशक जिम्मा लेल जेबाक लक्ष्यसँ आगाँ बढ़बाक बतौलन। ओ नेपाली जनताक सपनाके साकार बनाब अपन पार्टी लागि रहल बतबैत पार्टी आबवला दिनमे जनतामे जेबाक आ जनताक नेतृत्व करबाक दावी कैलन अछि। नेकपाके कृत समाजवादीक सचिव एवं पूर्व मंत्री राम कुमारी झाकरी सत्तारूढ़ राष्ट्रीय प्रजातन्त्र पार्टीक आलोचना कैलन अछि। संसद भित्र संविधान विरुद्ध विश्वमन कक ई पार्टी यात्रा देखाउने कहित
ओ आपत्ति सोझनलैन। बुध दिन काठमांडू में आयोजित विचार गोष्ठी में सचिव झाकरी जनता के फेर से निराश बनेबाक उद्देश्य संग संविधान आ व्यवस्था के विरुद्ध नई बाजस यो राप्रपा के चेतावनी दिलैन। सचिव झाकरी बटका दल सब जनता का अवस्था में परिवर्तन करबाक लक्ष्य संग काज क क देख देखबाक समय आयल बेर बेर दोहरैलैन। आएको सूचनामा संगठित गरेर जे कुरा प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो कुरामा विमति गर्ने ठाउँ नै छैन, तिनै हुन् समस्या। अब त्योबाट हामीले रूपान्तरण चाहेका छौँ भने पार्टीभित्र विचारधारात्मक हिसाबले, सङ्गठनिक हिसाबले, कार्यकर्मिक हिसाबले र पार्टी निर्वाचनमा सरकारमा जाने पार्टी प्रतिस्पर्धामा जानलाई जनताका सपनाहरूलाई बबलिङ गर्ने कि सपनाहरूलाई भिजिबल बनाउने त्यो कार्यक्रम चाहिँ र सरकारमा पुग्दाखेरि त्यसलाई कार्यक्रमिक हिसाबले त्यसलाई अद्यावधिक हामी कसरी काम गर्छौँ त टाइम फ्रेमभित्र काम गर्ने गरी गयौँ भने आजको यी सारा चिजबाट हामी अगाडि डिपार्सर हुने। सचिव झाकरी व्यवस्था परिवर्तन भेलासँग आब जनताको अवस्था परिवर्तन करबाक लक्ष्यसँग काज गर सब राजनीतिक दल सब योजना बनाओल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलनाइ छ। मोबाइल वितरक व्यवसायी सब मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम MDMS तत्काल लागू कर सरकार संग मांग कैलनाइ छ। बुध दिन वितरक संग एक अंतरकार्य कार्यक्रम में करैत संग विदेश से अवैध रूप में आनल जाय वाला मोबाइलक कारण हरेक वर्ष अरबों राजस्व गुमैत कहल MDMS प्रणाली पुनः लागू कर मांग कैलनाइ छ। वितरक संग नेपाल के वार्षिक 38 अरब से 40 अरब रुपया धरि मोबाइल फोनक वैधानिक रूप में आयात तथा कारोबार भ रहल जानकारी दिलक। एम्हर बाकी 40% मोबाइल विदेशी से चोरी पैठारी से आनल गेल मोबाइल बिक्री वितरण भ रहल संघ दावी कैलक। संघ 14 अरब बराबरक अवैधानिक अथवा भन्सार नहीं बुझाक विभिन्न तवर से आनल गेल मोबाइल सबक कारोबार भेल कहित प्रणाली लागू कर मांग कैलन। नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण करीब 1 अरब क लगानी में 5 वर्षक निरंतर प्रयास बाद पुष 15 गते से मोबाइल डिवाइस मैग्नेटमेंट सिस्टम MDMS लागू करबाक निर्णय कयने छ। मुदा वैदेशिक रोजगारी से घुरल व्यक्ति सब आने अथवा भेजने फोन नेपाल में नहीं चलत जेहन अफवाह आ नो रेमिटेंस बात आयल कहित प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल एखन लेल ई प्रणाली लागू नहीं कर संबंधित निकाय के निर्देशन देने छलैथ। उप प्रधान तथा अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल आ अंतर्राष्ट्रीय विकासक लेल अमेरिकी नियोग USAID प्रमुख सामान्था पावर बीच शिष्टाचार भेटघाट भेल। बुध दिन सिंहदरबार स्थित अर्थ मंत्रालय में पहुँच कर प्रमुख सामान्था अर्थमंत्री संग भेट कैलन। भेटक क्रम में ओ नेपालक अर्थतंत्र नेपाल आ अमेरिका बीचक संबंध विस्तारक संगे अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC का कार्यान्वयन में जोड़ दिलैन। ओ एही से पहिने मंगल दिन परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर बिमला राय पौडेल संग सेहो भेटवार्ता कयने छलथि। दू दिनक नेपाल भ्रमण में मंगल दिन काठमांडू आयल ओ बुध दिन राष्ट्रपति विद्यादेव भंडारी आ प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल संग भेट क के आइए स्वदेश घुरबाक कार्यक्रम रहल। अमेरिकी विदेशी मंत्रालय का राजनीतिक मामला देख वाला उपमंत्री विक्टोरिया न्यूलैंड नेपाल भ्रमण क के घुरल सप्ताह दिन नई पहुँचते समानता नेपाल भ्रमण में आयल। अमेरिकाक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सदस्य सेहो रहल ओ अमेरिकाक कैबिनेट स्तरक उच्च अधिकारी सेहो अछि। प्रतिनिधि सभा तथा संसदीय समिति के बैसान में सांसद सभा के उपस्थिति के नियमित कराओल सेवा में जोड़ दिल गया। बुध दिन सिंहदरबार में बैसल प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समिति के बैसार में संसद बैसार में अनुपस्थितिक सूचना संबंधी व्यवस्था के धारणा रखा वाला अधिकांश संसद सभा के बैसार में सांसद सभा के उपस्थिति के प्रभावकारी बनाब दैनिक हाजिरी प्रकाशित करवाक धरिक व्यवस्था नियमावली में राखल जेबाक में जोर दिलक। मस्यौदा समिति सदस्य सुभाष चंद्र नेमांग आ सांसद सभा के उपस्थिति प्रत्येक बैसार के रहल जेबाक आ प्रत्येक दिन संसद बैसार में उपस्थिति हेबाक जनता के चाहना सेहो रहल कहित एही से एही दिस सांसद सब स्वयं सेहो गंभीर रहल जेबाक धारणा रखलन।
समिति सदस्य अमरेश कुमार सिंह संसद के व्यवस्थित बनेबाक लेल सांसद सबक प्रत्येक दिनक हाजिरी स्क्रीन में देखाओल जेबाक व्यवस्था करब बतौलने छ। तहिना समिति सदस्य शक्ति बस्नेत एक दिनक अनुपस्थिति के भूल चूक मानिक दोसर दिन से ओ अनुपस्थित के सूचना देबाक व्यवस्था कला पर व्यवहारिक होब सकबाक तर्क कैलन। बैसार में बाजवाला और समिति सदस्य सब से हो सांसद सबक हाजिरी के व्यवहारिक व्यवस्थित आ प्रभावकारी बनाओल जेबा में जोर देने छल। सर्वोच्च अदालत पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग सिफारिश समिति सब पेश भेल प्रतिवेदन पेश कर आदेश दिलक ऐसा संवैधानिक इजलास यही प्रतिवेदन के अवस्था आ तत्कालीन सभामुख कैने तोक लगाकर विवरण झिकाब आदेश देने ऐसा। सर्वोच्च अदालत का सहायक प्रवक्ता देवेंद्र ढकाल संवैधानिक इजलास निलंबित प्रधान न्यायाधीश राणा के विषय में समिति तैयार कैने प्रतिवेदन आ वही में सभामुख लिखने राय टिप्पणी के प्रमाणित प्रति झिकेबाक आदेश भेल जानकारी दिलन। निलंबित प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध काम काज में सुधार घुराब सकबाक लक्ष्य संघ संघीय संसद सचिवालय के महासचिव भरतराज गौतम देने महाअभियोग निष्क्रिय भेला पर पत्र विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में रिट निवेदन दर्ता भेल छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित न्यायाधीश विश्व अम्भरा प्रसाद श्रेष्ठ डाक्टर आनंद मोहन भट्टराई सपना प्रधान मल्ल आ टंक बहादुर मौतानक इजलास राणा का महाअभियोग संग जुड़ल सब कागजात झिकौने रिट निवेदन में से एक अधिवक्ता ऋषि राम घिमेर जानकारी दिलन। बीतल अघन 21 गते संघीय संसद का महासचिव भरतराज गौतम निलंबित प्रधान न्यायाधीश जबरा के पत्र लिख क अही से पहिने के प्रतिनिधि सभा में पेश भेल महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भ चुकल कह क पत्र देने छलथ। जबरा वही पत्रक आधार में अवकाशक 4 दिन पहिने सर्वोच्च अदालत में हाजिरी हेबाक प्रयास कैलो पर सर्वोच्च 22 अघन में महासचिव गौतम का पत्र कार्यान्वयन नहीं करबाक लेल अंतरिम आदेश देल गेला बाद राणा का प्रयास विफल भेल छल। न्याय संपादन में विचलन देखल गेल आ न्यायपालिका में विकृति फैलाव भूमिका खेलने कहित 1 गते फागुन 2078 में संघीय संसद सचिवालय में प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भेल छल। अव्यवसायिक विश्राम। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फागुन 5 आ 15 गते देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर लागल अछि। बुध दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन क के पार्टी एहन बतौलक अछि। पत्रकार सम्मेलन में पार्टी का केन्द्रीय समिति बैसारक निर्णय सार्वजनिक करैत पार्टी का प्रवक्ता खटक बहादुर विश्वकर्मा पार्टी आबवला फागुन 5 आ 15 गते महंगी के विरोध में देशव्यापी विरोध कर लागल अछि। ओ पार्टी संसद में रहल आ नै रहल विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टी संगे राजनीतिक दल सब बीच रूपांतरक मुद्दा में बहस करैत जेबाक निर्णय लेले बतौलन। ओ आब वाला दिन में राष्ट्रीय स्वाधीनता जनता का राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकार आ जनजीवन के क्षेत्र में संघर्ष करबाक निर्णय केने बतौलन। ओ पार्टी MCC NCL SPP अग्निपथ माथिलो कर्णाली अरुण तेसरो महाकाली अतिक्रमणक विरुद्ध में संघर्ष करबाक सेहो बतौलन। आर्थिक सांस्कृतिक क्षेत्र में भइरहेको व्यापक हस्तक्षेप अतिक्रमण का विरुद्ध राष्ट्रीय स्वाधीनता को संघर्ष संचालन करने खासगरी MCC NCL SPP अग्निपथ माथिल्लो कर्णाली अरुण तेस्रो महाकाली अतिक्रमण का विरुद्ध संघर्ष करने जनता को अधिकार खासगरी देश में बस्न खान पढ़न जान्न काम गर्न पाउने मौलिक अधिकार का लागि संघर्ष करने तराई में मीटर ब्याज पहाड़ में लघुवित्त शहर में चर्को बैंक ब्याज कैयौं सहकारी र मानव तस्करहरूको आतंक छ। महिलामाथिको शोषण र हिंसा असह्य प्रकारले बढिरहेको छ। प्रवक्ता विश्वकर्मा जनताक मौलिक अधिकारक लेल संघर्ष करबाक राज्य मिटर ब्याजी के अपराधी घोषणा कैल जेबाक बतौलन। ओ सरकार संग पार्टी कैने 3 बुन्दाक सहमति अनुसार एकीकृत जन क्रान्तिक कारण जेल में रहल नेता सब रिहा कैल जेबाक मांग कैने बतौलक अछि। बुध दिन बजार में सोनक मोल बढ़ल अछि। एमहर चांदी के मोल घटल अछि। नेपाल सुन चांदी व्यवसाय महासंघ का अनुसार बुध दिन छपे वाला सोनक मोल 200 रुपया से बढ़ कर प्रति तोला 1,48,000 में कारोबार भ रहा है। तहिना तेजाबी सोनक मोल 1,43,000 में कारोबार भ रहा है। चांदी का मोल 5 रुपया से घट कर प्रति तोला 1,315 में कारोबार भ रहा मांग से जनौलक। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
टर्की आ सिरियामे सोम दिन आयल शक्तिशाली भूकम्पक कारण मृत्यु भेनिहारक संख्या 11,000 सँ बेसी पहुँचल अछि। टर्कीमे एखन धरि 8,574 गोटे जान गुमाउने अछि, तहिना सिरियामे 2530 गोटेका जान गुमा चुकल अछि। टर्कीमे भूकम्पक कारण करिब 6,000 भवन ध्वस्त भेल अछि, तहिना सिरियामे 400 घर पूर्ण रूपमे खसल अछि आ 1220 सँ बेसी भवनमे क्षति पहुँचल अछि। तहिना टर्कीमे 3 महिनाक लेल आपतकालीन लागू कयल गेल अछि। एम्हर स्कूल सब 13 फरवरी धरि बन्द कयल गेल अछि। एम्हर सरकारी भवनमे शेल्टर होम सेहो बनाओल गेल अछि। टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैयप अदोनान एखन धरि 70 देश आ 14 अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन मददक लेल अग्रसर भेल अछि। टर्कीमे 10,000 कन्टेनरके सेल्ट होम बनेबाक तयारी कयल गेल अछि। टर्कीसँ गोलकीपर अहमेद एयुप तुकासलकनक अपने देशमे भूकम्पमे पटिकऽ मृत्यु भेल अछि। अहमेदक मृत्यु भेल हुनक क्लब यानी माल्तियोसापुर पुष्टि कयने अछि। सोम दिन गेल विनाशकारी भूकम्पमे पटिकऽ टर्की आ सिरिया 8,000 गोटे जान गुमाए चुकल अछि। 28 वर्षक तुकासलान सन 2021मे टर्की दोसर डिविजन क्लब यानी माल त्यासपेमे आबद्ध भेला बाद 6 बेर खेलने छलथ। टर्कीका दोसर डिविजनक क्लब सेकुर रिजेस्पोर्ट्स खेलावाला क्रिस्टल पैलेस आ एवान्ट्रक पूर्व पोर टोलीक साथी सब प्रति संवेदना व्यक्त कयलनि अछि। पल पल खबर तेज नजर देखैत रहब अपन टेलिभिजन। नमस्कार।